जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों इसके पहले वीडियो में बताया था आपको कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आ चुका है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कल हमको टाइम थोड़ा नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से अब हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको आना है UP SSC की ऑफिशियल साइट पर और यहाँ पर व्यू वॉल पर क्लिक करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ही आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य प्रपत्र डाउनलोड करने हैं तो यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ से जेंडर चूज करना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है इसको डाल के आपको डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप साइट हटा देते हैं, अब आपको एक ऑर्डर में दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला PDF डाउनलोड करना है, फिर Form 1 आपको डाउनलोड करना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फॉर्म उसके बाद Form 2 है, मार्कशीट फॉर्म, फिर तीसरा है डाउनलोड इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स कार्ड, उसके बाद चौथा है अटेस्टेशन फॉर्म। तो एक एक को हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किस तरह से इसको भरा जाएगा। वो हम शाम तक घर पहुँच जाएंगे तो हम आपको बना के जो है दिखाएँगे। अभी हम जो है मिर्ज़ापुर में आए हैं दोस्त के यहाँ। देखिए ये है जहाँ पर आपका सारा डिटेल फिल है, इसमें आपका डेट दिया गया है कि आप कितने तारीख को है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 23 अप्रैल 2024 को है, और इसमें ये भी बताया गया क्या क्या आपको लेके जाना है। देखिए नीचे दिया गया है आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र, दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म, फिर यहाँ पे देशना इन इंडेक्स पत्र, उसके बाद प्राप्तांकों का विवरण। तो प्राप्तांकों वाले में यहाँ पर ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ हाई स्कूल ही डालना था। तो ये हो गया, इसके अलावा दूसरा देखते हैं, फिर है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये जो आपने फॉर्म भरा था वो है, ठीक इसमें सारा डिटेल है, इसमें आपको हाँ या ना में कुछ जवाब देना है, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपको ट्रांजैक्शन ID भरनी रहती है, आवेदन परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण दे। तो ये उस समय अगर आपको फॉर्म उस समय के फॉर्म की डिटेल भरना है, फिलहाल तो बड़ी मुश्किल है इसके मिलना, और हम देखते हैं कोई जुगाड़ इसका होगा तो, अगर आपके पास प्रिंट आउट होगा तो आप इसको जो है यहाँ पे भर पाएंगे, नहीं तो बड़ी समस्या होगी इसके लिए। चलिए इसे हम अभी यहाँ से हटाते हैं। फिर इसके बाद मार्कशीट फॉर्म में देखिए यहाँ पर आपको हाई स्कूल का पूरा डिटेल भरना है, कितने जैसे हिंदी में आपने कितना प्राप्तांक है, कितना पूर्णांक है, इसको कैसे भरेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे भर के। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखिए इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन PG इनका भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो सिर्फ हाई स्कूल मांगा गया था। अभी लेखपाल में बहुत से लोग PG ग्रेजुएशन ये सब भर दिए थे, उसका कोई मतलब नहीं निकला, सिर्फ आपका जो भी योग्यता मांगी गई है बहुत का, अगर आप कोशिश करते हैं तो हाई स्कूल इंटर भर दीजिए बस, इसके अलावा इसमें भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद है डाउनलोड फील्ड इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स कार्ड, ठीक। अब यहाँ पे भी आप दिखाएंगे क्या क्या परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, ठीक। अगर आप कहीं पर नियुक्त है तो उसका जो है विवरण नीचे देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। ये हो गया, उसके बाद चौथा है अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें आप अपना डिटेल भरेंगे, ठीक। तो जहाँ जहाँ पे आपको समझ में आता है वहाँ पे आप डिटेल भरिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा, उसको वहाँ पे चल के भर ले जाएगा, बहुत टाइम रहता है। फिलहाल हम आपको बता देंगे पूरा डिटेल में कैसे वीडियो इसको जो है भरा जाएगा। तो बस यहाँ पर एक आप टोटल 5 PDF डाउनलोड होंगे, देख सकते हैं, ठीक। बस 5 PDF में आपका सारा काम इसमें हो जाएगा, कैसे भरना है इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।